नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाइंड देर रखा है हमारे पास 64 टू द पावर 1 अपॉन 2, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है इसी तरह से इन सारे का। तो सबसे पहले को देखते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। और पहला पार्ट हमारे पास है 64 टू द पावर 1 अपॉन 2। तो आपको क्या करना है, 64 को इस तरह से लिखना है कि इसके ऊपर पावर 2 आ जाए। तो 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 × 8 और इस पूरे के ऊपर पावर 1 अपॉन 2, 8 × 8 = 64 हो गया है ना। अब इस 8 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 8 के ऊपर पावर 1 बच रहा है, इट मींस 8 का ये हो गया 8 आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से इस दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, 32 टू द पावर 1 अपॉन 5। तो इस 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32 और इसके ऊपर पावर 1 अपॉन 5 पहले से है। आप अगर ऐसे इसको ना कर सके तो आप इसको प्राइम फैक्टर ऐसे कर लेंगे ना, या 32 लिखेंगे फिर इसको 2 से, ये 16, ये फिर 2, ये 8, 2, ये हो जाएगा 4 और ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 1, तो ये वाला चीज आप यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। चलिए अब इसको आगे करते हैं, तो ये जाएगा 2 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये पावर हमने लिख लिया 5 और पहले से इसके ऊपर है 1 अपॉन 5, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये जा रहा आंसर हमारा 2। ठीक है, अब इसका चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास है 125 और इसके ऊपर पावर 1/3, तो इस तरह से इसको क्या लिखेंगे, 125 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 और ये हो गया 1/3। इसको भी आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, कर लीजिएगा, तो ये जाएगा 5 के ऊपर पावर 3 और ये हो गया 1/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जा रहा है, ये बच जा रहा है 5, ये हो गया आंसर। तो इसके तीनों ही पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारे पास है, फाइंड ही करना है, तो इसका सोल्यूशन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 × 3 / 2 तो अब इस 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 और ये हो जाएगा 3/2, या फिर ये क्या हो जाएगा 3 के ऊपर पावर 2 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 3 के ऊपर पावर 3, तो इसका मतलब हो गया 3 × 3 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9 और इस 9 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 = 27 और ये हो जा रहा हमारा आंसर। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास 32 × 2 / 2 / 5, तो 32 पहले क्वेश्चन में भी हमने 32 किया था, तो यहाँ पर वही है 32, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 टाइम्स में आता है 32, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 और इसके ऊपर पावर 2/5, तो यह जा रहा है 2 के ऊपर पावर 5 और × 2/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जा रहा है तो 2 के ऊपर पावर बच रहा है ये वाला 2, तो अब 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब हो गया 2 × 2 = ये हो गया 4 और ये हो जा रहा है आंसर। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 16 × 3/4, तो 16 के ऊपर पावर 4 है, तो अब हम लोग इसको 16 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, 2 × 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद ये आ जाएगा, अभी हमने सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे। ठीक है, और इसके ऊपर पावर 3/4, ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 4 × 3/4, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है तो 2 के ऊपर पावर 3, तो ये हो जा रहा है 2 × 2 × 2 = 2 × 4 = 8 और ये हो गया आंसर। अब चलिए इसका सबसे लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं।
फोर्थ पार्ट हमारे पास है 125 और इसके ऊपर पावर -1/3 है। देखिए अभी तक सब पे प्लस पावर थे, किसी पे माइनस नहीं था। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, माइनस पावर दे रखा है। तो ये माइनस वाला सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है, घबराना नहीं है, जैसे का जैसे इन सारे क्वेश्चंस को किया वैसे। तो ये 125 को सबसे पहले लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और इसके ऊपर पावर ये हो जाएगा -1/3, तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर पावर 3 और इंटू -1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 के ऊपर पावर बच रहा है -1। जब किसी के ऊपर पावर -1 होता है तो उस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसको पलट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। और ये हो गया आंसर, इसके ऊपर पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर जब कोई पावर नहीं दिख रहा होता है तो ऑलरेडी उसके ऊपर पावर 1 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई करने हैं इन सारे को। ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले और दूसरे क्वेश्चन की अपेक्षा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है बहुत अधिक होती है। तो चलिए इसका सोल्यूशन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2^2 × 2^1/5। देखिए अब इसका जो सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने में क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो उस कंडीशन में पावर आपस में प्लस हो जाता है। जैसे क्या हो जाता है, a के ऊपर पावर n इंटू a के ऊपर पावर m हो तो a के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, n प्लस m हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर a के ऊपर पावर n है और a के ऊपर पावर m है तो a के ऊपर पावर n और m हो जाता है। कहने का मतलब a क्या है, अगर बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 2/3 और ये +1/5, तो ये हो जा रहा है 2 और इसका अब एलसीएम ले लेना है, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 × 10 + 3, तो ये हो जा रहा है 2^13/15 और ये हो जा रहा है आंसर, ठीक है। ये चीज आपके जानकारी के लिए है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से अब ये दूसरा चलते हैं, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 1/3 × 3 और इस ये 7 है। तो अब एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, a के ऊपर पावर n और फिर यहाँ पे अगर m हो तो ये हो जाता है a^n (m)n(m), ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/ इस ये 1 के ऊपर पावर भी 7 आ जाएगा और 3 के ऊपर पावर 3 × 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 के ऊपर पावर, चाहे कितने भी डाल लीजिए उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रह जाता है, लेकिन ये 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 × 7 = 21। तो अब क्या है कि चूंकि नीचे ये पावर 21 हो रहा है, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाते हैं क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा 3^-21 और ये हो गया आंसर। अब चलिए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 11^1/2 और यहाँ पे 11^1/4। अब देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, अगर a^n और a^m हो ऐसे तो इक्वल टू हो जाता है a^n - m, ये फॉर्मूला होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 11^1/2 और -1/4। अगर ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस हो जाता है पावर, अगर ये डिवाइड में होता है तो पावर आपस में माइनस हो जाता है। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इस 4 और 2 का तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 - 1, तो 11 के ऊपर पावर हो जाएगा 1/4, ठीक है, और ये हो गया आंसर। अब सबसे लास्ट पार्ट देखते हैं, ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास, 7^1/2 और (8^1/2). अगर ऐसा कंडीशन बने तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये अब देखिए यहाँ पे बेस अलग है और पावर सेम है। अगर बेस अलग हो, जैसे बेस a के ऊपर पावर n और इंटू में b के ऊपर पावर n है, तो ये हो जाता है a × b और इसके दोनों के ऊपर पावर एक साथ n, a × b और पावर n,
तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, तो यह आ जाएगा 7 × 8 और इसके ऊपर पावर 1/2, तो ये 7 × 8 जाएगा कितना जाएगा 56, इसके ऊपर पावर 1/2 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन आपको समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए जिससे कि वो भी फायदा उठा सके। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए जिससे कि आपको नए नए वीडियोस और अच्छे अच्छे वीडियोस हमेशा मिलते रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियोस में, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।